नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है द सीजी ट्यूब। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे MS Excel की सीरीज, जिसमें कि हमारा टॉपिक है होम टैब के नंबर ब्लॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहां से कुछ बताना चाहूँगा आपको। ये आपका नंबर फॉर्मेट है, यहां से आप किसी वैल्यू के आगे इंग्लिश, यूनाइटेड, इंग्लिश किंगडम, यूरो, चाइनीज, यानी कि यहाँ पे भी, यानी कि अगर मैं इस सेल को सिंपली सेलेक्ट करूँ, तो सेंट्रलाइज करूँ, और अगर मैं चाहता हूँ कि इन सभी वैल्यूज़ के आगे अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन इनेबल हो जाए, तो मैं यहाँ से जा करके सिंपली किसी भी एक ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही, वैसे ही आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये सारी जो मेरी वैल्यूज़ लिखी थी, ये अकाउंटिंग फॉर्मेट में चेंज हो गई। अब बात आती है इस ऑप्शन की, यानी कि परसेंटेज ऑप्शन की। तो सपोज दैट कोई भी आपकी वैल्यू लिखी हुई है और आपको इसे परसेंटेज, यानी कि परसेंट फॉर्मेट में चेंज करना है, तो सिंपली आप इस पर जा करके इसको इनेबल करेंगे। जैसे ही, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये परसेंटेज फॉर्म में इनेबल हो गया। या इसके आगे आपका जो ये कॉमा स्टाइल का जो फॉन्ट बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कोई भी आप नॉर्मल वैल्यू लेते हैं और आप उसको एक कॉमा के साथ लिखना चाहते हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपकी जो वैल्यू है वो अकाउंटिंग फॉर्मेट में कॉमा के स्टाइल में लिख गई। अब बात आती है आपकी इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल की। तो आप यहाँ से जा करके किसी भी नंबर के आगे डेसिमल इंक्रीज कर सकते हैं और डेसिमल डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से आप डेसिमल इंक्रीज कर सकते हैं, इस वैल्यू के आगे मैं करूँ तो आप डॉट, यानी कि दशमलव के बाद जीरो इंक्रीज कर सकते हैं, और यहाँ से जा करके आप दशमलव के बाद जीरो डिक्रीज करते हैं। अब बात आती है दोस्तों आपके इस नंबर फॉर्मेट के बारे में। इसके अंदर कई एक ऑप्शन जो आपके दिए हुए हैं, इनको कैसे यूज़ करते हैं, चलिए इनको देखते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ एक डेटा तैयार किया है जिसकी सहायता से मैं आपको इस नंबर फॉर्मेट वाले ऑप्शन को मैं सिखाऊंगा आपको। तो सपोज दैट ये मेरा नंबर ऑप्शन है, अगर मैं चाहूँ ये, तो जो फर्स्ट ऑप्शन होता है उसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है कि अगर आप किसी भी नंबर को सपोज दैट करेंसी मोड में इनेबल करने हैं, उसके बाद आप उसको नॉर्मल करना है, तो सिंपली आप यहां से जा करके, जैसे ही आप नो स्पेसिफिक फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, तो ये जो आपकी वैल्यू लिखी हुई थी वो नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद अब अगर आपको इसको नंबर में लिखना है, नंबर मीन्स डॉट या दशमलव के बाद जो आपका एक्चुअल में जो नंबर होता है, जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है, उसके हिसाब से आपको इसे चेंज करना है, तो आप इस पर जा करके नंबर पे क्लिक करेंगे। अब बात आती है आपकी यहाँ से इस छोटे डॉट की, यानी कि अगर मैं इस एरो पे क्लिक करूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने नंबर जो फॉर्मेट किया था, उसके बाद ये यहाँ पे जा करके जो हमारी जर्नल वैल्यू थी वो नंबर फॉर्मेट में चेंज हो गई थी। अब अगर बात करें इस नंबर फॉर्मेट को किसी और स्टाइल में चेंज करने के लिए, यहाँ तो आपको सिंपली एक ही फॉर्मेट दिया गया है, तो इसको चेंज करने के लिए सिंपली आप इसके कस्टम ऑप्शन में जा सकते हैं, या आप नंबर का यूज़ यहाँ से देख सकते हैं। अगर मेरी वैल्यू जो कि सपोज दैट यहाँ से मैं चाहता हूँ कि अगर किसी भी वैल्यू के आपको मैं यहाँ से माइनस लगा के लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ से इसको माइनस करूँ, क्लोज करूँ, और यहाँ से एक वैल्यू मैं लिखता हूँ माइनस लगा के, और मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू जो है इसके आगे माइनस ना शो हो और ये एक अलग फॉर्मेट में आए, तो आप सिंपली यहाँ से जा करके नंबर ऑप्शन पर जा करके, आप इस ऑप्शन पे जाकर के अब यहाँ से आप देख सकते हैं सैंपल जो है आपका इस तरीके से दिखेगा, बट एक चेंजमेंट हो जाएगा कि जो वैल्यू है आपकी वो रेड लाइन में हो जाएगी। तो यहाँ से जैसे ही आप ओपन करेंगे, ओके करेंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं
आपकी जो वैल्यू थी वो रेड कलर में चेंज हो गई। इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू में कुछ स्पेशल है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप फार्मूला बार पे देख सकते हैं कि इस वैल्यू के आगे आपने माइनस ऐड किया है। अब बात आती है नंबर ऑप्शन के बारे में, यूज 1000 सेपरेट कॉमास। तो यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो वैल्यूज़ है वो आपकी कॉमा स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप यहाँ से चाहें तो डेसिमल के प्लेसेस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए डेसिमल के जो प्लेसेस हैं आपके वो यहाँ से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। सपोज दैट मुझको एक डेसिमल के साथ अपनी वैल्यू रखनी है, डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट आए मैक्सिमम, तो यहाँ से आप सिंपली 1 पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो डेसिमल के बाद 1 वैल्यू के साथ आएगा। अब बात आती है आपकी, चलिए मैं यहाँ से कंट्रोल जेड कर देता हूँ और नंबर वैल्यूज़ को फिर से वैसा कर देता हूँ। अब बात आती है आपकी करेंसी मोड की, तो करेंसी मोड आप देख सकते हैं यहाँ से। जैसे ही करेंसी मोड पे आप यूज़ करेंगे तो करेंसी मोड में आपका जो वैल्यू है उसके आगे करेंसी का सिंबल लग जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके करेंसी मोड के मैक्सिमम ऑप्शन की, तो यहाँ से आप जा करके देख सकते हैं, यहाँ से आप सिंबल लगा सकते हैं जो कि कई सारी कंट्रीज के यहाँ से आपको सिंबल दिए होंगे। यहाँ जो करेंसी मोड लगा हुआ था वहाँ पे 2 या 3 या मैक्सिमम 5 करेंसी ऑप्शन यहाँ से दिए हुए थे, मगर आप जैसे यहाँ पे इसके नीचे क्लिक करेंगे मोर पे, तो आप यहाँ पे देंगे, सॉरी ये अकाउंटिंग फॉर्मेट है आपका। अगर मैं करेंसी वर्क की बात करूँ यहाँ से, तो करेंसी के लिए आपको अगर मैक्सिमम ऑप्शन चाहिए तो आप सिंपली ऊपर विंडो पे जाएंगे, जिसके लिए आपको कंट्रोल प्लस 1 सिंपली प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद अगर माइनस की वैल्यू लिखी है करेंसी में, तो सिंपली आप इसको इनेबल कर सकते हैं, ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं जो कि मैंने बनाया थोड़ी देर पहले। और यहाँ से आप कई सारे जो कंट्रीज के हैं सिंबल यहाँ से इनेबल कर सकते हैं अपनी वैल्यू पे। करेंसी का सिंबल यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से भी आप डेसिमल की वैल्यूज को प्लस माइनस कर सकते हैं। अब बात आती है, चलिए मैं इसको फिर से कंट्रोल जेड कर देता हूँ, आपके इस अकाउंटिंग वाले ऑप्शन पर। अकाउंटिंग ऑप्शन में दोस्तों केवल और केवल अगर सिंपली मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा सेल को बड़ा करके दिखाऊँ, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं अकाउंटिंग मोड में और करेंसी मोड में केवल एक अंतर होता है कि ये डॉलर का साइन है कि आपका सिंपली बस थोड़ा सा गैप दे के यहाँ से शो होने लगता है डॉलर, या आप और कोई ऑप्शन यहाँ से लेना चाहें तो आप यहाँ से यूरो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देखिए कि जो कि हमारा करेंसी मोड था उसमें जो डॉलर का साइन था वो यहाँ से पास में आ रहा था वैल्यू के, और जो आपका अकाउंटिंग मोड है उसमें आपका ये थोड़ा सा स्पेस दे के आ रहा है। केवल जनरल की आपका डिफरेंस है अकाउंटिंग मोड में और करेंसी मोड में। इसको मैं फिर से कंट्रोल जेड करके नॉर्मल कर लेता हूँ, या आप इसको चाहें तो आप सिंपली अकाउंटिंग या यहाँ से जा करके नो स्पेसिफिक वैल्यू करके यहाँ से इसको आप फिर से। तो दोस्तों बात अगर आती है डेट वाले ऑप्शन पे, यानी कि अगर मैं सेंट्रलाइज करूँ यहाँ से और यहाँ से आप नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो ये एक ऑप्शन आपका यहाँ से आ रहा है शॉर्ट डेट। तो जैसे ही आप इस पर शॉर्ट डेट पे करेंगे तो आपका जो ये डेट है वो यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ, प्रीव्यू दिखाऊँ आपको, तो ये शॉर्ट डेट पे कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आता है आपका डेट का, और लॉन्ग डेट पे कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आता है आपका डेट का। मैं सिंपली यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँ तो आप यहाँ से जाकर के देख सकते हैं, अगर मैं लॉन्ग डेट पे यहाँ से क्लिक करता हूँ तो जो आपका एक्सपेंड फॉर्मेट है जो आपका डेट का वो यहाँ से शो होने लगेगा। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ से इसके मैक्सिमम ऑप्शंस की, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप इस पे यहाँ कई तरीके के फॉर्मेट जो हैं आप यहाँ से जा करके चेंज कर सकते हैं।
ये देखिए, ये कई सारे जो ऑप्शन हैं वो आप यहाँ से जा करके डेट के अपने चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे ही आप क्लिक करेंगे अपने डेट पे, अगर मैं इसको यहाँ से सिंपली केवल डे और मंथ पे रखना चाहूँ तो ये आप देख सकते हैं डे और मंथ पे कन्वर्ट हो गया। और अगर इसमें कई सारे ऑप्शन और आपको यूज़ करने हैं तो आप यहाँ से जा करके सीधे सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, कस्टम ऑप्शन पे। तो कस्टम ऑप्शन पे आपका डेट के कई सारे फॉर्म यूज़ होते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पे करना है और यहाँ पे डालना है आपका डे। यानी कि अगर टू टाइम्स आप डी प्रेस करेंगे तो जो आपकी डेट है वो आ जाएगी, और सिंपली थ्री टाइम अगर डे प्रेस करेंगे आप तो यहाँ से आपको डे का शॉर्ट फॉर्म यूज़ होगा, और फोर टाइम डे यूज़ करेंगे तो वहाँ से आपका डे का फुल फॉर्म यूज़ होगा। उसके बाद डैश, अगर मैं यहाँ से MM यूज़ करूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो मंथ है आपका उसका फॉर्म, और उसके बाद थ्री टाइम एम तो मंथ का शॉर्ट फॉर्म, और फोर टाइम एम तो मंथ का फुल फॉर्म। उसके बाद फिर से सिंपली डैश, अगर ईयर की मैं बात करूँ, अगर टू टाइम ईयर यूज़ करूँगा तो शॉर्ट फॉर्म डेट का दिखाएगा, उसके बाद थ्री टाइम में आपका या थ्री और फोर टाइम में आपका फुल प्रीव्यू दिखाएगा आपकी डे मंथ और ईयर का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कस्टम वाले ऑप्शन से आप जा करके इस तरीके से डेट में आप चेंजमेंट कर सकते हैं, या जो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहीं दिए रहते हैं उनसे भी जाके आप सिंपली अपनी डेट को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आप कंट्री भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी, यानी कि अगर मैं बात करूँ आपकी यूनाइटेड स्टेट में तो वहाँ जो डेट लिखने का जो फॉर्मेट है वो आपका इस तरीके का है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स की तो वहाँ जो डेट लिखने का फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके का है। अब बात करूँ अगर मैं फिलीपींस की तो वहाँ पर डेट लिखने के फॉर्मेट्स कुछ इस तरीके के हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे मैं इस ऑप्शन को ओके करके यहाँ से करता हूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि डेट का जो स्टाइल है, जो फॉर्मेट स्टाइल है, वो कुछ इस तरीके से चेंज हो गया। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ से किसी वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना है आपको डेट में, सिंपली अगर मैं यहाँ से वन प्रेस करता हूँ और आप यहाँ से जा करके इसको डेट में चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यानी कि डेट जैसे आप इस पर ओके करेंगे तो आपकी जो वन वैल्यू है वो कन्वर्ट हो गई डेट में। अब अगर सिंपली मैं यहाँ से इसको ट्रैक करूँ नीचे तो 2 3 4 5, यानी कि जो एक्सेल का जो कैलेंडर होता है आपका दोस्तों, वो अगर यानी कि 1 जनवरी 1990 से स्टार्ट होता है, उसके बाद आपको अगर यानी कि यहाँ से इसके कैलेंडर का जो 8वां दिन था वो ये था। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ से कि इस कैलेंडर का 120वां दिन कौन सा होगा, तो आप जैसे यहाँ क्लिक करके सिंपली इसके सिलेक्शन को नीचे लाएंगे, या आप यहाँ पर भी जा करके इस डेट पे सिंपली आप इसको कन्वर्ट करेंगे डेट में। जैसे इसको आप डेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आप ये देख सकती है यहाँ से जो 120वां दिन होगा इसका वो आपका 29th April 1990 यानी कि होगा। तो टाइम वाले ऑप्शन पे जा करके अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ यहाँ से तो टाइम का सिंपली एक ही ऑप्शन देता है आपको, बस सेकंड ऐड हो जाएगा इसमें। अब अगर टाइम के ऑप्शन में या टाइम की वैल्यूज़ में आपको कुछ और चेंज करना है तो सिंपली आपको यहाँ से आपके फॉर्मेट सेल पे जाना होगा। यहाँ आप कई उन्हीं कंट्रीज के जिनको आप डेट में मैंने चेंज किया था, सारी कंट्रीज के टाइम आप यहाँ से एज इट इज लिख सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं उनके सिंबल या वहाँ से जो टाइम फॉर्मेट है वो आपको यहाँ से शो होने लगे। यानी कि अगर बात करूँ तो टाइम आपका आ रहा है यहाँ से, कोई कंट्री लिखी है, आई डोंट नो अबाउट दैट कंट्री और दिस कंट्री, तो ये वहाँ का जो टाइम पीरियड है वो यहाँ से शो होने लगा। ये देखिए,
यानी कि अगर आप चाहें तो यहाँ से किसी भी कंट्री का टाइम पीरियड सेट कर सकते हैं। अब बात आती है आपकी परसेंटेज की, तो अगर मैं यहाँ से कोई भी एक वैल्यू लिखूँ, सपोज दैट मैं यहाँ से लिखता हूँ 1.25 और मैं इसको चाहता हूँ कि ये एक परसेंटेज में चेंज हो जाए, ये वैल्यू हमारी जो है परसेंटेज में चेंज हो जाए, तो सिंपली आपको यहाँ से जा करके परसेंटेज पे क्लिक कर देना है। अब अगर मैं इसी वैल्यू को चाहूँ कि ये फ्रैक्शन में चेंज हो जाए, तो आप सिंपली इस पर जा करके फ्रैक्शन वाला मोड इनेबल कर देंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपकी जो वैल्यू थी वो आपकी परसेंटेज में या इस पे 1/4 में कन्वर्ट हो गई। तो देखिए यहाँ से आप जा करके आप, मैं कोई नॉर्मल सेल ले लेता हूँ, सेल में यहाँ से लिखता हूँ मैं 1, 2, 3 और इसके नीचे लिखता हूँ एक ऑप्शन या एक वैल्यू लिखता हूँ ABC। तो ये देखिए आप जो आपकी वैल्यू है वो एक्सेल 1, 2, 3 जो वैल्यू है आपकी वो राइट साइड से रीड कर रहा है, और ये जो टेक्स्ट वाली वैल्यू है आपकी वो एक्सेल लेफ्ट साइड से रीड कर रहा है। तो अगर आप अपनी वैल्यू को एज ए टेक्स्ट रीड कराना चाहते हैं, तो आप सिंपली इस वाले ऑप्शन पे, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जा करके इसको इनेबल करेंगे जैसे, तो ये जो एक्सेल है आपको इस वैल्यू पे एज ए टेक्स्ट रीड करने लगेगा। तो ये कुछ यूज हुए आपके नंबर ब्लॉक में इन सारे ऑप्शन के। तो आई होप आप लोगों को वीडियो ये पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।